वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे और समर को खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि लोअर शेडिंग अपने पीक पे है। तो जी आज कोई ब्यूटी टिप नहीं लेके आई हूँ, कोई रेमेडी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन आज एक ऐसी चीज से सोल्यूशन लेके आई हूँ कि तुम लोगों ने ना ऐसे हाथ उठा उठा के मेरे लिए दुआएं करनी है। तो जी जो आज का टॉपिक है वो है इसके बारे में। अरे यही तो आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग इसको घर से हमेशा के लिए भगा सकते हो, मतलब इसका नामो निशान मिटा सकते हो बिना इसके पास गए। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन मैं उससे पहले ही बता दूं कि ये कहा जाता है कि अगर आप लोग घर में अंडे का छिलका लटका देते हो तो उससे लिजर्ड भाग जाती है, यानी कि छिपकलियाँ भाग जाती हैं, तो झूठ है, बिल्कुल नहीं भागती हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर आप लोग गार्लिक यानी कि लहसुन को अगर आप लोग रख देते हो किसी जगह पे तो वहाँ पे छिपकलियाँ नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं और ज़रा भी नहीं दूर जाती हैं, चाहो तो आजमा के देख सकते हो। और तीसरा ये कहा जाता है कि मोर के पंख, यानी कि मोर के पंख अगर आप लाके घर में किसी भी दीवार पे रख देते हो, किसी भी जगह पे रख देते हो, तो उससे छिपकलियाँ दूर भाग जाती हैं। तो ये भी रॉन्ग है यार, वो उल्टा आके ना उस पर सो शो के ना वापस चली जाती है, उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मोर का पंख है, अंडे का छिलका है या फिर लहसुन पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उनको फ़र्क पड़ता। तो जो सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ अगर वो वर्क ना करे तो तुम लोगों के पैसे वापस। तो वो से सुनो, तुम लोगों को करना क्या है, तुम्हें जाना है मार्केट, मार्केट से लेके आओ कफूर की टैबलेट्स यानी कफूर की गोलियाँ लेके आओ, ठीक है, घर में लेके आओ और किसी भी डिबिया बॉटल में डाल के जहाँ से उनकी खुशबू बाहर आ सके, इनफैक्ट बदबू बाहर आ सके, वो उसमें डाल के किसी भी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा स्पेशली लाइट के नीचे आती हैं, कर्टन्स के पीछे होती हैं, विंडो पे होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रख दो। अगर किसी एक भी जगह पे रखोगे तो पूरे रूम में ही छिपकलियाँ नहीं होंगी। इसका एक बेस्ट और आसान तरीका ये भी है कि जो पेप्सी या सेवन अप की बॉटल्स आती हैं तुम लोग उनको नीचे से कट करो, उनकी छोटी सी बास्केट बना लो, मतलब ऊपर कोई रस्सी डालो, तार डालो, ठीक है, और उसके अंदर कफूर की टैबलेट्स डालो और उसको हैंग कर दो कर्टन्स के पीछे या फिर किसी भी चीज़ के साथ हैंग करके दीवार के साथ रख दो, या फिर फ्रिज के ऊपर रख सकते हो, कबर्स के ऊपर रख सकते हो, मतलब जहाँ भी तुम लोग को पॉसिबल रखता है रखना कि बच्चे वहाँ तक ना पहुँच सकें या किसी बर्तन में उनका मिक्स होने का चांस ना हो, तो वहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। और इसके बाद अगर तुम्हें कहीं पे छिपकली नज़र आ जाती है तो यकीन जानो तुम्हारे पैसे मैं वापस करूँगी, तुम्हारे 20-25 रुपए मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी, वो तुम्हें मैं वापस करूँगी। लेकिन प्लीज़ इसको एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करो, तुम लोग हैरान रह जाओगे कि कैसे छिपकलियाँ दुम दबा के भागेंगी तुम्हारे घर से। ऑल्दो ये वीडियो कोई ब्यूटी टिप नहीं थी, कोई होम रेमेडी नहीं थी, लेकिन आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और मेरी फर्दर वीडियोस को, फर्दर ब्यूटी टिप्स को और होम रेमेडीज को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मजे में रहो और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि छिपकलियाँ आप नहीं आएंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।